दोस्तों, ये जो पृथ्वी है बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है। फिर चाहे ये रहस्य किसी जानवर का हो या भूत का या फिर किसी परजीवी एलियन का क्यों न हो, इसी तरह के रहस्यों से ये पूरी पृथ्वी भरी है। आपको बता दें कि हमारे भारत में भी इसी तरह के तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया। आइए आज एक ऐसे ही रहस्य के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त को गंवाए हम शुरू करते हैं वीडियो को। ये मैं नहीं जानती कि आप इससे पहले इस रहस्य के बारे में जानते थे या नहीं, लेकिन अगर आप अभी तक इस रहस्य से अनजान हैं, तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इस पूरे रहस्य को जानने के लिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको बताएंगे एक झील के बारे में जहाँ पर जाने वाला कभी लौट कर वापस नहीं आता। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ जाने वाले लोग आज तक वापस नहीं लौटे। आपको बता दें, भारत और म्यांमार की सीमा के पास है एक झील जिसे लोग लेक ऑफ नो रिटर्न के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से यह झील अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है। कहा जाता है इस झील के पास जाने वाला कभी भी वापस लौट कर नहीं आता, या फिर ये कहे कि कभी वापस लौट ही नहीं पाया। आप डरिए मत, इस झील को लेकर ऐसी ही कई कहानियां सामने आई हैं। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इस झील को नावांग यांग भी कहते हैं। दरअसल ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। माना यह भी जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अमेरिकी विमान के पायलटों ने यहाँ पर समतल जमीन समझकर आपातकालीन लैंडिंग करा दी थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थे। और फिर उसके बाद वो जहाज पायलटों सहित बेहद ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सैनिक भी हुए गायब। इंडिया टाइम्स के अनुसार जब युद्ध खत्म हुआ तब उसके बाद कुछ जापानी सैनिक अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन तभी वो लोग इस लेक के पास आकर रास्ता भटक गए, जिसके बाद वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उन्हें मलेरिया हो गया था जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इसके अलावा आपको हम एक और कहानी के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा क्या ये सच है। हो सकता है आप सोचे कि मैं तो इस झील के किस्सों पर तभी विश्वास करूंगा जब तक खुद न जान लूं, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं उस कहानी के बारे में जिसे लोगों ने इस रहस्य के साथ जोड़ रखा है। कई वर्षों पहले की बात है, एक गांव वाले ने बड़ी सी मछली को पकड़ा था तो उसने इसी खुशी में पूरे गाँव को दावत पर बुलाया, लेकिन सिर्फ एक दादी और उसकी पोती को नहीं बुलाया। इस बात से नाराज होकर इस झील की रखवाली करने वाले शख्स ने दादी और पोती को गांव से दूर जाने के लिए कह दिया, और उसके बाद अगले दिन वो पूरा का पूरा गांव झील में समा गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी तक इस झील के रहस्य को जानने के लिए जितनी भी कोशिशें की गई हैं, उन सब के हाथ सिर्फ नाकामयाबी लगी है। अभी तक इस झील के बारे में कोई भी कुछ नहीं जान सका, लेकिन अगर कभी भी आप इस झील पर जाते हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।